हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। जय माता दी। तो आज के वीडियो में हम हेयर मास्क के बारे में बात करेंगे, अनदर हेयर मास्क जो कि फ्रिजी एंड रफ हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और मैं इस मास्क को आई थिंक जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब से यूज़ कर रही हूँ। और मैंने अपने बालों में बहुत सारे, जब से मैं जॉब करने लगी तब से मैंने अपने बालों में बहुत ही ज़्यादा ट्रीटमेंट, कलर एंड लाइक स्ट्रेटनिंग, बहुत ही ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट कराए हैं। तो मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा रफ और फ्रिजी हो गए हैं, जिसके लिए मैं ये DIY मास्क यूज़ करती रहती हूँ घर पे, कभी अंडा कभी कुछ और। तो इस तरीके के बहुत सारे मास्क यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके के, हाँ, अगर इस तरीके के मतलब जो भी मास्क मैं यूज़ करती हूँ वो आप सबको बताऊँगी मैं कौन कौन से मास्क यूज़ करती हूँ। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो पोस्ट करती हूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप चाहें और मेरा वीडियो देखें और मुझे बताएं कि कैसा लगा। ज़रूर बताइए प्लीज़ कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगा है। और अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं और आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप अपने रिव्यू दीजिए, प्लीज़ बताइए मुझे। तो ओके, अगेन कमिंग बैक टू द वीडियो। तो आज के वीडियो में जो मैं हेयर मास्क बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है फ्रिजी हेयर के लिए। मैं डिफरेंट मास्क हर 15 डेज में यूज़ करती रहती हूँ। आप चाहे तो सेम इस मास्क को भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट हेयर मास्क है रफ़ एंड फ्रिजी हेयर के लिए। तो मैं इसको 15 डेज में वंस इन अ 15 डेज यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो इसको वंस और ट्वाइस इन अ वीक भी यूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर, मतलब अगर ज़्यादा रफ हैं तो आप थोड़ा सा जल्दी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन इससे आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा 100%। आप कहीं लिख के रख लीजिए कि आपको 100% आपको रिजल्ट समझ में आएगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम अब भी हम क्विकली वीडियो की तरफ जाते हैं। तो इस मास्क को बनाने के लिए हमें कम्प्लीटली राइप बनाना चाहिए, जो कि कम्प्लीटली बिल्कुल काला पड़ चुका हो, आप कह सकते हो कि कम्प्लीटली अच्छे से पक गया हो पूरा। और हमें कोई भी हेयर ऑयल चाहिए। यहाँ पर मैं ये अपना जो मैं घर पे बनाती हूँ अपने बालों के लिए, ये हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और कॉम आपको बालों को, मतलब मास्क को लगाने के लिए, बालों को डिटैंगल करने के लिए आप कोई भी कॉम यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़े से ये जो मोटे ब्रिसल्स होते हैं इनके, मतलब थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होता है, इसको करती हूँ बालों को डिटैंगल करने के लिए। और आपको एक स्पून और एक बोल की ज़रूरत होगी, जिसमें आप अपना मास्क रेडी करेंगे। अब हम इस बनाना को पील करके, इसको पील ऑफ करके, और फिर हमें इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। ऐसे ग्राइंड करना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाएं, जिससे हमारे बालों में कुछ भी लम्स फंसे ना, क्योंकि जितना स्मूथ पेस्ट होगा उतना ही ज़्यादा एप्लीकेशन इजी होगा। तो बनाना को हमें पील करना है। मैं क्विकली जाती हूँ और इस बनाना को, आप मिक्सर ग्राइंडर किसी की भी हेल्प से आप इस बनाना को अच्छे से एकदम, इसका एकदम फाइन पेस्ट बना करके उसे ग्राइंड करना है। मैं चाहती हूँ क्विकली और उसे ग्राइंड करके आती हूँ। मेरा फ़ोन भी आ रहा है। हाय गाइस, आई एम बैक विद दिस बनाना पेस्ट। यू कैन लुक एट द कंसिस्टेंसी। मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है, एकदम बिल्कुल पेस्ट में कन्वर्ट हो गया है और इसमें अब कोई भी लम्स नहीं है। अब इसमें हम ऑयल मिक्स करेंगे। आप कोई भी ऑयल मिक्स कर सकते हैं, जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं। मैं इसमें जो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ मैं वो मिक्स करूँगी, सीक्रेट ऑयल। तो ये एक्चुअली मैंने घर पे रेडी किया है और मुझे किसी ने बताया था और इसका रिजल्ट भी अमेजिंग है। इसको मैं कभी बाद में शेयर करूँगी इसकी रेसिपी, कैसे इसको बनाते हैं। बट इससे अभी मैं 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दूँगी। 1 and 2, that's it। तो इस पेस्ट में मैंने, इस बनाना के पेस्ट में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल यूज़ कर मिक्स कर लिया है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो भी आप अपने बालों में लगाते हो, और आप चाहे तो बिना ऑयल के भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ बनाना यूज़ कर सकते हैं अपने बालों में। बट ऑयल लगाने से थोड़ा सा आपके बालों में ऑयल भी पहुँच जाता है और बनाना के भी जो गुण होते हैं वो सब भी पहुँच जाते हैं। और अगर आप इसको फर्दर और नरिश करना चाहते हैं और इसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ डालना चाहते हैं तो आप इसमें 1 और 2 टेबल स्पून हनी भी ऐड कर सकते हैं। मैं कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ। तो अभी मैंने सिर्फ इसमें बनाना और ऑयल मिक्स किया है
और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें से ऑयल आप कहीं देखो बाहर नहीं दिख रहा है, ये पूरा कम्प्लीटली बनाना में मिक्स हो गया है। अब इसे हम अपने बालों पे अप्लाई करेंगे। उसके लिए पहले हमें अपने बालों को, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमें अपने बालों को डिटैंगल करना है, डिटैंगल करने से आपके बालों में अच्छे से पेस्ट अप्लाई हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी ये बाल मेरे अच्छे से डिटैंगल हो गए हैं, तो इसको आपको रूट टू टिप पूरा अच्छे से अप्लाई करना है। इवन यहाँ पर टिप्स के पास और अच्छे से अप्लाई करना है, जिससे जहाँ पर ये हमारे ज़्यादा जो हमारे रफ हेयर होते हैं वो नीचे के साइड में होते हैं, तो यहाँ पर और अच्छे से अप्लाई करना है। तो वैसे मैंने हाथ में लिया, ओके। तो मैंने ये बनाना हेयर मास्क रूट टू टिप अपने बालों में अच्छे से थॉरली अप्लाई कर लिया है। अब हमें अपने बालों में बालों का बन बना करके और उसे किसी भी चीज़ से कवर कर लेना है। ओके, तो ये मास्क लग गया है और इसको मैंने शार्क कैप से कवर कर लिया है। अगर आपके पास शार्क कैप नहीं है तो आप किसी भी टी शर्ट से या टाल से भी अपने बालों को कवर कर सकते हैं। कवर करने से ये होता है कि हमारे बालों में हवा नहीं लगती है और बाल इतने जल्दी ड्राई नहीं होते हैं। और अब हमें एक घंटे के बाद इसे वॉश करना है और मैं आपके पास वापस आती हूँ वॉश करने के बाद और दिखाती हूँ इसका क्या रिज़ल्ट है। ओके, तो मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं आफ्टर 1 आवर, तो देखते हैं कैसे हैं। अभी तो ये जस्ट मैंने टाल ड्राई किया है। ओके, तो ये गाइज मैंने अपने बाल धो लिए हैं आफ्टर 1 आवर। मैंने 1 आवर के अराउंड अपने बालों पर रखा था, उसके बाद मैंने धो लिए हैं और लुक एट दिस शाइन, इट्स कम्प्लीटली अमेजिंग। मतलब घर के हेयर मास्क को यूज़ करके, और लेट मी टेल यू गाइस कि जब हम हेयर एक्चुअली तो नॉर्मल हमारे यहाँ से फ्रिजी हो ही जाते हैं जब नॉर्मल हेयर होते हैं, लेकिन अगर आप हेयर कलर कराते हैं तो आपके बाल और भी ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, और भी ज़्यादा रफ हो जाते हैं, कम्प्लीटली ऐसे हो जाते हैं कि आप अगर आप कोई भी लाइक पार्लर में जाकर के ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो बाल ऐसे हो जाते हैं कि आप इसमें फिंगर नहीं डाल सकते, वो कम्प्लीटली टैंगल्ड होते हैं। तो उसके लिए, और मैंने आई थिंक 1 साल हो गया है, और आप सब भी जानते हैं कि इवन मार्च से तो लॉकडाउन ही चल, मतलब नॉट लॉकडाउन, एक कोविड की वजह से हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं वैसे भी नॉर्मली कलर कराती हूँ अपने बालों में, दैट्स इट। आफ्टर दैट मैं कोई भी स्पा, कुछ भी, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेती हूँ पार्लर से। मैं घर पे ही इस तरीके के मास्क बना करके यूज़ करती रहती हूँ, जिससे मेरे बालों में इतना सारा केमिकल ट्रीटमेंट होने के बाद, मैंने ब्लॉन्ड कलर करा रखा है, मैंने कैरमल ला रखा है, मैंने हनी करा रखा है, मैंने आई थिंक सारे ही ट्रीटमेंट अपने बालों में ट्राई कर रखे हैं। उसके बाद ये सब मैं बस हेयर मास्क ट्राई करती रहती हूँ और यूज़ करती रहती हूँ, जिससे मेरे बाल फिर भी अलाइव है। तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी। और अब आती है टिप्स एंड ट्रिक्स की बारी, तो उसके लिए मैं बताऊँगी कि जो आप बनाना यूज़ कर रहे हैं उसको कम्प्लीटली राइप बनाना यूज़ करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉर्मल बनाना यूज़ करो वो देखने में ज़रूर गंदा लगता है, बट दैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, क्योंकि वो ज़्यादा राइप होने की वजह से उसमें जो शुगर लेवल होता है, जो शुगर होता है उसका भी जो होता है वो बढ़ जाता है, कंसेंट जो होता है वो बढ़ जाता है। और क्या होता है, जब कम्प्लीटली राइप बनाना आप यूज़ करते हो तो वो आसानी से वो जो होता है वो मेल्ट हो जाता है आप। और प्लीज़ यूज़ मिक्सर, मतलब अगर आप हाथ से या फिर उसको इतने अच्छे से उसको मिक्स करिए कि उसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। अगर आप नॉर्मल बनाना यूज़ कर रहे हो जो कि कम्प्लीटली राइप नहीं है, वो आपके बालों में फंसा रह सकता है। तो अगर आप कम्प्लीटली राइप बनाना यूज़ कर रहे हो वो, और उसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हो, तो आपका नॉर्मल एक हेयर वॉश में, नॉर्मल हेयर वॉश में निकल जाता है। सो डू ट्राई दिस आउट। और मैं इस हेयर मास्क को 10 out of 10 दूंगी, और बहुत ही अच्छा एंड हाईली रिकमेंडेड हेयर मास्क है। और जस्ट गाइज ट्राई दिस आउट, एंड ऐसा नहीं है वन टाइम में, इवन आपको वन टाइम में भी इसमें डिफरेंस समझ में आएगा, लेकिन आप अगर इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं देन तो कम्प्लीटली अमेजिंग, कम्प्लीटली अमेजिंग। और आप इसे ट्राई कीजिए और मेरे साथ इसके रिजल्ट शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए और खूब सारी मस्ती कीजिए।
सी यू नेक्स्ट वीडियो। और अगर पसंद आया तो अगर आप पहले इसे यूज़ करिए, अगर आपको अच्छा लगता है और अगर आपको उसके रिजल्ट मिलते हैं, 100% रिजल्ट मिलेगा 100%। और अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो फिर आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट करके बताइए कैसा लगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।